morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and enjoyed your summer vacation. My name is Shreya Mukherjee. I am your EBS teacher. Yes. So last जो हमने activity chapter पढ़ा था उसमें हमने chapter first EBS का पढ़ा था, study किया था. तो आज हम आपने उसे अच्छी तरह और study किया होगा, दोबारा उसे पढ़ा होगा, revise किया होगा. आज हम chapter second migration of families. क्या पढ़ेंगे आज हमारा chapter? क्या है chapter second है, migration of families. तो बच्चों migration क्या होता है? first question है कि migration होता क्या है. migration मतलब होता है किसी भी problem के लिए. अब देखो किसी को बहुत से ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो कि बाहर से आके यहाँ रहते हैं, कि वो यहाँ के proper नहीं होते, कोई किसी और सिटी से आते हैं आपके आसपास रहते हैं. yes निवास स्थान रहने के लिए उसकी जरूरत होती है. तो वो छोटा सा अरेंज करता है और उसकी चिकित्सा उसकी फैमिली को भी वहाँ ले जाता है. फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, छोटे धीरे धीरे वो वहाँ पे कोई भी वर्क ऑक्यूपेशन सर्च करना स्टार्ट करता है. कुछ दिनों के बाद उसको वहाँ पे काम मिल जाता है ना. तो वहाँ थोड़े दिन रहने पर कुछ दिनों फिर भी बाहर आने के इजी नहीं होता. कुछ दिन बाहर होने के बाद वो क्या उनको एक दो दिन प्रत्येक
इनका जो विलेज है वहाँ पर रेंट स्टार्ट हो गई है और वो अपने गाँव को अपने विलेज को बहुत मिस कर रहा होता है, तो वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पर वापस अच्छे से रहने लग जाता है ना। तो आपने देखा संतु की स्टोरी में क्या हुआ, संतु की स्टोरी थी कि विलेज में ड्रॉट हुआ, ड्रॉट हुआ तो वो अनदर विलेज में सुन गया क्योंकि विलेज शिफ्ट हुआ, उसको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, फिर जिस वजह से उसको एक छोटा सा घर अकोमोडेशन अरेंज करता है, फिर उसको क्या चाहिए जॉब चाहिए थी क्योंकि उसको यहाँ पर उसकी फैमिली की नीड्स पूरी करनी थी, तो यहाँ पर उसको जॉब उसकी खुद की नीड्स भी पूरी करनी थी, इसलिए उसे क्या चाहिए थी जॉब चाहिए थी, तो वो जॉब सर्च करता है, फिर वो जॉब उसको मिल जाती है, वो थोड़े दिन गाँव में रहता है, पर उसके लिए ईजी नहीं होता वहाँ रहना और उसको उसके गाँव की बहुत याद आ गई थी, तो उसके बाद उसको मिल मिल जाती है कि उस गाँव में वापस रहने हो चुकी है, कि वहाँ जाकर फिर वापस एग्रीकल्चर खेती करने लग जाता है, वहाँ पर उसकी फैमिली के साथ रहता है। तो ये था आपको संतु की स्टोरी, संतु की स्टोरी में ये आपको बताना उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। यस, उसको प्रॉब्लम हुई थी जिसको वो उसके गाँव में मिस कर रहा था, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हुई थी, जॉब सर्च करने की प्रॉब्लम हुई थी, तो वो किस रीजन से गायब हुआ आपको पता है, संतु का माइग्रेट होने का रीजन क्या था। यस, संतु के माइग्रेट होने का रीजन था कि उसको ऑक्यूपेशन के लिए, कि उसका जो काम था वो बंद हो चुका था, तो उसको ऑक्यूपेशन के लिए वो कहाँ चला गया था, अदर विलेज में चला गया था, तो ये होता है माइग्रेट। अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी, मैं आपको बताऊँगी यार, धीरज, धीरज के पास, धीरज की एक डॉटर है और एक सन है, क्या है, एक डॉटर एंड सन है ना, वन डॉटर वन सन है, एंड वो जो डॉटर जो है वो टेंथ क्लास में स्टडी करती है और सन ट्वेल्थ में, तो अब ट्वेल्थ के बाद वो हाई स्टडी के लिए है ना, धीरज की प्रॉब्लम है कि वो हाई स्टडी के लिए कहाँ भेजना चाहता है, सिटी में है ना, सिटी में भेजना चाहता है, तो वो हाई स्टडी के लिए शहर में भेजना चाहता है, तो इसके लिए भी वो सोचता है कि मैं अभी अपने बेटे को सिटी भेजूंगा, तो उसका जब एक्सपेंडिचर है कि खर्चा वो बढ़ जाएगा, एक सिटी में रहेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, एक फैमिली यहाँ चलानी होगी वहाँ का खर्चा भी चलाना है ना, तो वो सोचता है कि खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो दो साल बाद टू ईयर्स तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉटर को भी हाई स्टडी के लिए भेजना पड़ेगा, बच्चे धीरज एंड वाइफ ये दोनों बचते हैं, तो वो सोचता है इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को माइग्रेट करके हम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस सिटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो चले तो जाते हैं, उनको बहुत ही मुश्किल से कोई हाउस अरेंज कर पाते वो भी रेंट पर, और रेंट पर मिलता है उनको एक रोबोट उसी में उनको सारा एक्टिविटीज अरेंज करनी होती है ना, और उनके जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्टडी खर्च और जो मेन सिटी से उनको दूर मिलता है, तो वो उनके बहुत सारे फ्यूचर जो होता है वो बढ़ जाता है, फैसिलिटीज भी इतनी नहीं मिलती, तो और फिर एक लेबर जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है, जो दिन और रात दोनों में काम करना स्टार्ट करता है, वो एक गार्ड की ड्यूटी को कर लेता है नाइट में, इस तरह से वो अपनी जो फैमिली की नीड्स पूरी करता है, और आफ्टर कंप्लीट जो उसके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो वापस उनके विलेज में शिफ्ट हो जाते हैं, तो सिटी में रहना जो एक इसका क्या रीज़न था आपको पता है, सिर्फ माइग्रेट होने का, यस धीरज का रीज़न था कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कहाँ शिफ्ट हो गया था, सिटी में, तो अगर वो सिटी यहाँ विलेज से सिटी में जाते बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो फेस करनी पड़ती है, हम भी कहीं नहीं नई जगह में जाएंगे तो हमें उनको फेस करनी पड़ती है, हमारे आसपास का एनवायरमेंट नया हो जाता है, आसपास के लोग नए हो जाते हैं, हमारे नेबर्स नए हो जाते हैं, हमारा वर्क चेंज हो जाता है ना, जो काम है वो भी चेंज हो जाता है, घर चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, घर मिलता नहीं सिटी में और जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ये था हमने माइग्रेशन पढ़ाते हैं, माइग्रेशन